हेलो फ्रेंड, दखल पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनली सुपरस्टार रजनीकांत जी का जो अपकमिंग मूवी है वेटाइन का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। कुछ टाइम पहले हमने टीजर पे रिएक्शन दिया था। लगता है ट्रेलर में हमको और भी कुछ देखने मिलेगा, स्टोरी से रिलेटेड देखने मिलेगा, प्लस जो भी रजनीकांत जी का जो कैरेक्टर है, अमिताभ बच्चन कैरेक्टर, राणा का जो कैरेक्टर है, उसके बारे में भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा, है ना। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, वेटाइन का जो ट्रेलर आया हुआ है ये देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। कुछ तो वो है, मेजर केस है ना, कल्प्रिट को पकड़ नहीं पा रहे। जल्दी खत्म करना है, यही मिले ना होगा लगता है। इसका कुछ कॉमेडी लग रहा था उसका। राणा का वेस्ट नहीं होगा पूरा, फाइटिंग वाइटिंग यस। ये आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रहा है, बाद में होगा। वो जज है क्या? कौन? हाँ वो होगा जज, कुछ वो केस रिलेटेड कुछ होगा, बड़ा पोजीशन। ये क्या पता वो जज वो केस को पर्टिकुलर के लिए ये होगा बन के लॉयर। कूल है नहीं वो विजय में मैंने इन दोस्त तो क्या चालो ना आधे पुलिस का रहता देख के तेरे तब ने यार आज का टेंथ अमिताभ का बर्थडे के पास है। करेक्ट 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 करेक्ट। इसमें कुछ हमको स्टोरी के बारे में कुछ पता चला है ना, लाइक ब्रूटल मर्डर जो भी हुआ है। एंड आई गेस गुंबीर को वो राणा ही विलेन लग रहा है, मेन है, एंड वो वेरी पावरफुल है। उसके वो बहुत सारे लॉयर्स है या कुछ भी हो, नेटवर्क इतना ज्यादा है कि जैसे भी बच जा रहा है ना। एंड इसमें जो शायद एनकाउंटर का है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसमें है रजनीकांत जी का जो कैरेक्टर है, एक हफ्ते नहीं तीन दिन में खत्म करना है। तो मेरे हिसाब से जबरदस्त फाइटिंग दिखी है वो तीन दिन जब जो भी होगा। फाइटिंग सीन्स भी दिखा है काफी सारा फाइटिंग होगा। एंड जैसे तू बता रही थी फहद फासिल का जो कैरेक्टर है थीफ का, थोड़ा सा कॉमेडी जैसा होगा, थोड़ा वो उनका कैरेक्टर थोड़ा रिलैक्स वाला होगा मोस्टली। कहीं ना कहीं ऐसा चेंज होगा शायद, चेंज भी होगा मोस्टली, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं वो रजनीकांत जी को हेल्प करेंगे, थीफ है, कहीं ना कहीं हेल्प ऐसा आएगा वो, है ना। है कि रजनीकांत जी और अमिताभ बच्चन उसका वो आइडियोलॉजी मैच नहीं है, एंड में भी ऐसा सिचुएशन जरूर आएगा। आइडियोलॉजी मैच हो ना हो, अमिताभ बच्चन जी का जो कैरेक्टर है उसको मानना पड़ेगा। चलो मैंने जो होता ना कि जानते हैं कि ये है लेकिन कभी छोड़ना, ऐसा कुछ कुछ सिचुएशन वो छोड़ना पड़ता है, लीव करना पड़ेगा वो केसेस। मुझे लगता है वो सिनेरियो जरूर आएगा कि जो भी विलन है उसको मारने का जो सिचुएशन आएगा बच जाएंगे रजनीकांत। फाइटिंग तो देखने मिलेगा, हंटर का जो नाम है, जहां से ये जो सेकंड हाफ जब स्टार्ट होगा तो भयानक होने वाला है फाइटिंग वाइटिंग का ना। एंड अमिताभ बच्चन का अपना आवाज है, इंग्लिश में तो था ये, तमिल में भी वही बोल रहा था। ओके ओके ओके, वही सुन के अच्छा ही लगा। ठीक है दोस्तों, ये तो ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, और भी कुछ अगर सॉन्ग इससे रिलेटेड आता है कोई अच्छा वाला
तो हम जरूर ट्राई करेंगे उसको अपना रिएक्शन देने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।